पेट में ये खाया। हाँ भैया स्टार्ट है। तो देखिए जो सांप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं दो मुहा, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, गुम्बी भी कहते हैं ना। गुम्बी ये बहुत शांत स्वभाव का सांप होता है, जल्दी काटता भी नहीं है। और ये देखिए पेट में शायद इसके बच्चे हैं या तो ये कुछ खाया है, ये देख रहे हैं ना कुछ न कुछ ये खाया है। हट जाइए हट जाइए सबको हट जाइए। हाँ भैया किसी भी सांप को मारने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि कौन सा है क्या है। अरे मम्मी तो सबको बुला ही दो। हाँ भैया देखिए ये जो सांप है आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, दो मुहा कहते हैं। पीछे मुंह कहाँ है ये इसके जो एक मिनट है, पूंछ और मुंह दोनों एक बराबर होने के कारण नहीं कहते हैं। हाँ इसकी कहावत वही कि छह महीना इधर, तो ऐसा कोई बात नहीं था कि पूंछ जो है उसी के चलते। और देखिए ये जो है इसके पेट में अभी बच्चे बच्चे हैं, इसका पेट देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर है, पकड़े घर में सभी है। तो अच्छा है कि आप लोग ने इसको कुछ किया नहीं, क्योंकि बेचारा देखिए आप प्रकृति ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग जुड़े हैं, अगर प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी थोड़ा जी पाएंगे। देख रहे धान का खेती हो रहा है, गेहूँ अगर वो नष्ट हो जाए तो हमको भी नुकसान होगा। और नष्ट होने का कारण क्या है, नष्ट होने का कारण ये है कि जो अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति का पेड़ काटते रहे हैं बिना मतलब कचरा फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो प्रकृति नुकसान में जा रही है। नहीं काटता है और ऐसे नहीं काटेगा, जब तक आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तो यही है। और ये पक्का है कि भैया आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, देखिए बेचारा किसी भी जीव के बच्चे हो या भले वो हानि क्यों ना, मगर ये तो बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा, तो जानकारी रखना बहुत बढ़िया है। अब देखिए सावन चल रहा है, इसमें कोई अगर इसको मार दे बेचारा है वैसे सीधा साधा है, और इसके पक्का पेट में भी बच्चे हैं, और इसको हम लोग इसको छोड़ ही देना चाहिए कि ले जाके हम इसको दूर छोड़ेंगे जहाँ आराम। देखिए कुछ गिर गया, गंदा किया है, कोई बात नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया आप जानकारी रखिए है ना। देखिए ये देखो कुछ गिरी है, जितने हाँ लेटरिंग किया। भारत में जितने भी सांप उसमें से तीन चार सांप जो खतरनाक है, एक तो फन वाला जिसको नाग कहते हैं, और दूसरा है रसल वाइपर, इसी के जैसे रसल वाइपर आप और ये दोनों एक जैसे रहते हैं। नहीं रसल वाइपर और ये जो ऐसा है तो उसका गोल गोल बना रहता है, वो फुफकारता है कीपर की सीटी की तरह, जैसे छोड़ेंगे तो सीटी की तरह मारेगा। और एक तो करैत जो काला और सफेद होता है, करैत एक दो फुट से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो यही दो तीन प्रजातियां हैं जो जहरीली है, बाकी धामिन पानी वाला और एक और कॉमन वोल से क्रिंकेट ऐसे बहुत सारे साथ, ये तो बिल्कुल जहरीला नहीं है, ये बल्कि काटता भी नहीं है, आप इसको छेड़ेंगे भी तो काटेगा भी नहीं। और इसी में दिखने वाला एक रसल वाइपर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही मोटा सा रहेगा, वो फुकारेगा तो वो उससे बच गए, क्योंकि उसका काटने पे आदमी आधे घंटे में अगर सुई ना ले पाए तो बचना मुश्किल, और जहाँ काटता वहाँ सड़न और फूल वो हो जाता है, फूल जाएगा सड़ जाता है। अरे नहीं आपको काटा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आइए इधर आइए देखिए खून उन नहीं निकला है ना, पेट में कटाई है, कोई बात नहीं है। देखिए इन भैया का कहना है इसके काटने में कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर मुंह में इसका मुंह भी देखिए बहुत छोटा है, खोल नहीं पाता है, जो खतरनाक है तो मुंह बड़ा खोलते हैं और तुरंत काटे, इसका मुंह बहुत छोटा है, मतलब ये चूहा भी बड़े बड़े चीज नहीं खाते, छोटे छोटे चीज को खा पाता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसके काटने से, ये मतलब आपको काटा नहीं होगा, टच हुआ होगा, चल उड़ गया होगा, हाँ तो आड़ा काटा होगा। हाड़ा काटा होगा, तो देखिए हम इनको बता रहे हैं कि बेफिक्र रहिए कि ये सांप जो है काटता भी नहीं, अगर बाई चांस कभी गलती से पांव पड़ जाए काट भी ले तो इससे इसका जहर नहीं होता है। जहर वाले तो फन एक रसल वाइपर एक करे, ये तीन सांप यहाँ पा जाते वो खतरनाक है, बाकी इन सब में कोई नहीं। ठीक है भैया।